जी व्यूअर्स, मैं दोबारा से लाइव आ गया हूँ और देखते हैं कि टेक्नोलॉजिकल इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व होते हैं या नहीं होते हैं। कशिश अरफात आ गई हैं जी, बहुत शुक्रिया कशिश। फसी उशान अंसारी आ गए हैं जी, फसी बहुत शुक्रिया। और अब आज हम टेक्नोलॉजी टेस्ट कर रहे हैं जी। मिस दिया, वही फिर हो रहा है इशू, आई डोंट सी द कैमरा। और बहरहाल मैं ऐड करता हूँ, देखते हैं क्या होता है, क्या करता है ये, कि इसके अंदर कोई ग्लिच हो कि ये आपका कैमरा नहीं दिखा रहा। आप ये बताइए कि आपके पास जी कनेक्टिंग कर रहे हैं, आ गए हैं आप तो? जी हम आ गए और आवाज भी आ रही है आपकी बिल्कुल ठीक ठाक। बस अब उन्होंने कहा कि ये लोग धुन के पक्के हैं और बाज आने वाले नहीं है, तो दरमियान से हटा दो जालिम समाज, हट जाए। ये जालिम समाज, ये जालिम टेक्नोलॉजी जो है वो कनेक्ट नहीं होने दे रही थी। हाँ, और हम गुज़श्ता करीबन एक घंटे से इस चीज की कोशिश कर रहे थे कि हो जाए। हमने लैपटॉप ट्राई किया, मोबाइल भी ट्राई किया, और हर तरह से कोशिश करके देख ली, मगर कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। नहीं जी, कोई जवाब नहीं आ रहा। देखिए, लेकिन अब आ गया माशाल्लाह से। अब देखिए, और मुझे यकीन है कि आपने जो है वो शेयर का बटन दबा दिया है अपनी तरफ से। तो नहीं, अभी मैंने नहीं दबाया, अभी नहीं दबाया। अच्छा, फिर तो इसका मतलब ये कि तो मेरे ये मेरे रियल व्यूअर्स हैं, इसका मतलब ये। अभी जब आप वो बटन दबाएंगे तो फिर देखते हैं कि किस तरह शूट करता है ये। तो बहुत शुक्रिया, मैं आई लव यू व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आज हमारे साथ बहुत ही इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल पर्सनालिटी मौजूद हैं, और आप इनकी प्रोफाइल पे जाइए और इनकी प्रोफाइल देख लीजिए। I'm super duper impressed by her work, mashallah. She is an awesome, awesome person. तो हम इनसे बात करेंगे और इनकी वो तमाम awesomeness जानने की कोशिश करेंगे। अमजद परवेज साहब यूके से हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, वो वॉच कर रहे हैं। नगमान जुबैरी साहब माशाल्लाह से दोबारा से फिर आ गए। आपका सेशन हाईजैक हो गया था वैसे, मिस दिया। नगमान जुबैरी, मैंने ओपन ऑफर कर दी, मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है चलें, व्हाइल वी वेट फॉर मिस दिया टू कम ऑन, कोई भी आ जाए। तो डॉक्टर साहब आ गए और डॉक्टर साहब ने हमें बड़ी इन्फॉर्मेशन दी जनाब, डेंटिस्ट्री के हवाले से। हमने देखा, लोगों ने सवाल भी पूछे, और इंशाल्लाह मैं बिल्कुल इनके साथ मैं एक लाइव सेशन करूंगा जिसमें इनका पूरा एक पूरा जो इनका सिलसिला है, सेटअप है, उसके बारे में हम डिटेल्ड बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इनकी लाइटिंग का इंतजाम जो है वो ठीक करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब आप बटन दबाइए, फिर देखते हैं क्या होता है। जी ये टेक्नोलॉजी जो है फिर कुछ गड़बड़ कर रही है जनाब, ये तो मामला ठीक नहीं है। देखिए कुछ, हाँ तो ये आपकी आवाज थोड़ी सी जरा फिर कट रही है। अदालत अली यूसुफ़ज़ई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, माय फेवरेट डिया रहमान जी, हम सबकी फेवरेट हैं। सबा सिकंदर कह रही हैं कि टेक्नोलॉजी गेट वेल सून। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बीमार टेक्नोलॉजी है ये तो। आई लव दैट कमेंट। अब ये देखिए कि फिर जो हैं वो डिस्कनेक्ट हो गई मिस दिया। ये टेक्नोलॉजी जो है ना ये बड़ा मसला है जी। आलिन जहरा, अस्सलाम वालेकुम आलिन, कैसी हैं आप? आई होप के जी। वालेकुम अस्सलाम बेटे, जीती रहिए। और आप अपनी दोस्त के साथ एक दिन ऑनलाइन हुई हुई थी और आई वांटेड टू ज्वाइन यू गाइस, लेकिन आपने कहा कि वो लोग हमें सिर्फ ज्वाइन कर सकते हैं जो डिसेबल्ड हैं। तो मैं डिसेबल्ड की कैटेगरी में कम्प्लीटली नहीं आता, लेकिन मैं एबल्स की कैटेगरी में भी नहीं आता, क्योंकि आई हैड माई लिवर ट्रांसप्लांटेड, तो उसकी वजह से ये मसला है। बहरहाल ये कि इंशाल्लाह आप मुझे मेरी इनबॉक्स में मैसेज कीजिए, विल सेट अप सम टाइम, इंशाल्लाह वी विल टॉक अबाउट द डिसेबिलिटीज एंड व्हाट द यूनाइटेड नेशन इज़ डूइंग अबाउट डिसेबिलिटीज, व्हाट द पाकिस्तानी गवर्नमेंट इज़ डूइंग अबाउट द डिसेबिलिटीज, what do we as people
can do about disabilities. So, इसलिए जो है आप kindly आप मुझे message कीजिए तो इंशाल्लाह we will talk about it. ठीक है जी जी नहीं 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 कोई मसला नहीं है बेटे कोई कोई ऐसा सॉरी की कोई बात ही नहीं है कोई ऐसा मसला ही नहीं है तो इंशाल्लाह वी विल टॉक जी मैंने मिस दिया मैंने आपको भेजी है रिक्वेस्ट देखिए और मैं दोबारा से यहाँ पे भी देख लेता हूँ मैंने अप्रूव कर दिया है और ऐड कर दिया है नो आंसर फ्रॉम लाइव वीडियो रिक्वेस्ट ये कह रहा है जी मुझे बहरहाल मुझे एडिंग नहीं दिखा रहा है इसको दिखाना चाहिए कि एडिंग तो इसमें कोई चक्कर है ये ऐड जो है वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है नहीं कर रहा है ये तो ऐड ये तो झूठ बोल रहा है और अभी जो है वो मैसेज आया था जनाब ये हमारी एक बहुत अच्छी बच्ची हैं सभा सिकंदर रावलपिंडी से इनका ताल्लुक है और इन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी गेट वेल सून तो ये बीमार टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम आया बट एनीवेज देखते हैं क्या होता है लेट्स सी व्हाट हैपेंस अगेन जी बिल्कुल मैं भी बड़ा कीन हूँ जनाब मैं भी वो चींटी वाली मिसाल है मेरी भी मैं लगा रहता हूँ जब तक कि वो काम जो है वो हो नहीं जाता तो देखते हैं जनाब बिल्कुल और हकीम साहब कह रहे हैं नहीं जी नहीं जी हकीम साहब क्यों जी ये तो टेक्नोलॉजी तो हमारा साथ ही नहीं दे रही देखिए आप ये जालिम टेक्नोलॉजी बीच में आ गई है और इतनी हमारी ज़बरदस्त किस्म की मेहमान हैं वो मिस दिया कि आई एम सो मच इम्प्रेस्ड लेकिन जनाब ये तो उनको ला ही नहीं पा रहा टेक्नोलॉजी जो है वो हमारा साथ नहीं दे रही तो देखते हैं बहरहाल जैसे फसीह उशान अंसारी ने कहा कि लेट्स सी व्हाट हैपेंस तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस है जी तो देखते हैं कि क्या होता है ट्राई 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 एंड ट्राई यस बिल्कुल जनाब बिल्कुल 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 एग्जैक्टली यही है तो देखते हैं जनाब अब तो मुझे उनका कैमरा नज़र आ रहा है फॉर सम रीज़न लेकिन उनको मैं ला क्यों नहीं पा रहा तो मैं फिर उनको रिक्वेस्ट भेजने की कोशिश करता हूँ और ये बैक हैं लेकिन जी मिस दिया आप कोई और एक और कमेंट डालें आप प्लीज आफ्ताब मुगैरी भाई अस्सलाम वालेकुम कैसे मिजाज हैं आपके सर हाउ इज लाइफ आपके टीवी चैनल कैसा चल रहा है मैं आपकी क्लिप्स देखता रहता हूँ यार थैंक यू सो मच एंड सम डे आई वॉन्ट टू बी ऑन योर शो इंशाल्लाह टू प्रमोट द काइंड ऑफ थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू डू और ताकि बच्चों में जज्बा पैदा हो इंस्पिरेशनल एक स्पीच मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू देना चाहता हूँ तो आप बताइएगा जब भी आपके पास वक्त हो और अगर आपके प्रोग्राम का फॉर्मेट सोशल वर्क के हवाले से आपको परमिट करता हो कि आप हम जैसे लोगों को आप आगे लेकर के आएँ जो यूथ को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी जी आफ्ताब मगरी साहब कह रहे हैं नाइस जॉब जनाब कोशिश कर रहे हैं इसमें अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी काविशें कबूल फरमाए और सभा सिकंदर कह रही है नेटवर्क इज़ जेलस यस ऑफ कोर्स नेटवर्क इज़ जेलस देखिए दो अच्छे आदमियों को नहीं एक अच्छे आदमी को एक दूसरे आदमी से कनेक्ट नहीं करने दे रहा ये तो दो अच्छे आदमी कहना तो गलत हो जाएगा मैं अपने बारे में तो नहीं कह सकता ये तो आप लोग बताएंगे तो देखते हैं बहरहाल आफ्ताब मगैरी साहब आई लव दीज थम्स अप्स और हार्ट्स और ये बड़ा मुझे जज्बा और हौसला देते हैं और मिस दिया किधर हैं आप एक और आप मुझे काइंडली मैसेज कीजिए और फिर मैं देखता हूँ दोबारा से ट्राई करता हूँ क्या चक्कर है ये अभी तक आपको जो है ये मुझे दिखाया जा रहा है यहाँ पे कि मैंने रिक्वेस्ट भेजी हुई है सो फॉर सम रीज़न अप्रूव किया मैंने और ऐड किया नो आंसर फ्रॉम लाइव वीडियो तो ये मुझे कह रहा है देखे ये पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी जो है वो हमारा बिल्कुल आज साथ नहीं दे रही है और ये अक्सर ये चीज़ें हो जाती हैं और ये मेरे साथ ही क्यों होती हैं मुझे समझ में नहीं आता ये मैं और जो लोग वीडियो करते हैं उन लोगों से मैं ज़रूर ये
मशवरा करूँगा कि भाई ये क्या चक्कर है, क्यों ऐसा होता है, और मैं इसको अप्रूव भी करता हूँ और ये फिर मुझे फौरन ही कह देता है कि जी ये जो है हो नहीं पा रहा, कनेक्ट नहीं हो पा रहा। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आपको यहाँ से डिसअप्रूव करता हूँ, और उसके बाद में अब आप ऐसा कीजिए कि मुझे आप दोबारा से आप एक रिक्वेस्ट भेजिए मिस दिया। लेकिन अभी तक ये आइकॉन में आपकी तस्वीर दिखाया जा रहा है, ये मेरा ये ख्याल है कि आप अपनी वॉल पे जाइए, हम लोग वहीं आते हैं, मेरा ख्याल है वो बेहतर है, शायद वहाँ से कुछ चल पाए। फैसल महमूद वॉच कर रहे हैं, फसीह शान अंसारी कह रहे हैं कि आप अच्छे हैं तो लोग आपको देखना और सुनना चाहते हैं। जी मोहब्बत है आप लोगों की, आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है। कैसर कदीर कह रहे हैं हाय, हाय कैसर हाउ आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम, काइंडली प्लीज़ लेट अस नो, दैट बी वेरी काइंड ऑफ यू। जी मिस दिया प्लीज़ बताइए, शुड आई कम ऑन योर वॉल एंड वी डू इट फ्रॉम देयर, एंड आई कैन बी योर होस्ट इंशाल्लाह, यू विल बी द गेस्ट, लेकिन हम आपकी वॉल से जाएंगे, तो लेट्स डू इट दैट वे, क्योंकि यहाँ से कुछ मुझे नहीं लग रहा कि ये चल पाएगा कुछ, ये टेक्नोलॉजी हमारा आज बिल्कुल साथ नहीं दे रही, या तो फिर ये कि हम इसको किसी और दिन एक ट्राई और करते हैं और उसके बाद में वी विल गिव अप और हम फिर किसी और दिन इसको करेंगे। और वर्स्ट कम टू वर्स्ट आई कैन फ्लाई डाउन टू रावलपिंडी इस्लामाबाद एंड देन वी कैन बी ऑन साइड बाई साइड एंड डू इट ओवर देयर। ठीक है जी, तो फिदा मेमन कह रहे हैं सर जी हर कोई यही सोचता है कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। सही कह रहे हैं आप फिदा साहब, मैं तो कम से कम ये सोच रहा हूँ कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये टेक्नोलॉजी जो इश्यूज हैं ये मेरे साथ क्यों आ रहे हैं, ये और लोगों के साथ भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है। रहमतुल्ला रहमत करते हैं बहुत सारे लाइव्स, मैं उनसे भी पूछूंगा कि उनके साथ कितने प्रॉब्लम्स आते हैं, और मेरे जो वो हैं एक और हमारी फेसबुक फ्रेंड हैं राबेल रबिया, टीम रिहान पाकिस्तान को जो लीड कर रही हैं, वो भी बहुत सारे लाइव्स करती हैं, आप देखते रहते होंगे, और उनको भी ये प्रॉब्लम आती कि नहीं आती, ये मैं ही हूँ सिर्फ जो कि मुझे प्रॉब्लम आ रही, बट एनीवेज आप लोग देखिए कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। मैं दोबारा से ऐड करता हूँ, एडिंग लकी भाई, देखें अब वो आइकॉन जो है एडिंग में चेंज हो गया, तो लेट्स सी कि इस दफा हम सक्सेसफुल होते हैं कि नहीं होते। एडिंग बताया जा रहा है जी मुझे अभी तक, अमजद खान ताजवाना कह रहे हैं गुड जॉब सर, थैंक यू सो मच जनाब, ये हम सब आपके लिए करते हैं ताकि आपको इंस्पिरेशन मिले, ऐसे लोगों से आपको मिलवाने की कोशिश करते हैं कि जो लर्नड लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं अपनी ज़िंदगी में, जिन्होंने स्ट्रगल करके बहुत सारा कुछ अचीव किया है, तो उनको हम लाइव लाते हैं। जी कनेक्टिंग बता रहा है जनाब, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, एडिंग से कनेक्टिंग में कन्वर्ट हो गया, और जनाब ये हमारे साथ मिस दिया रहमान आ गई दोबारा। जी मिस दिया रहमान आपको मेरी आवाज आ रही है, जी मिस दिया रहमान बताइए आपको आवाज आ रही है मेरी। ये तो ऐसा लग रहा है कि तस्वीर आ रही है आवाज़ नहीं आ रही है, तो कुछ ऐसा कोई कर्ज वगैरह का चक्कर है मुझे लगता है कि शायद कहीं मैंने कोई कर्ज ले लिया है वहाँ से कि तस्वीर तो आ रही है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कर्ज की क्या बात है। तो बहरहाल आवाज़ नहीं आ रही है, जी हाँ बिल्कुल आपने सही कहा SNQ, आवाज़ नहीं आ रही है, और ये देखें क्या ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है कि उनकी वॉल से भी हमने ट्राई किया और किक आउट हो गए, और अब यहाँ मेरी वॉल पे मिस दिया आई हैं और वो भी उनकी आवाज़ नहीं आ रही, तस्वीर सिर्फ आ रही है, तो बहरहाल तो ये आप लोगों ने सबने वो लतीफ़ा तो सुना होगा, बहुत पुराना लतीफ़ा है, चलें खैर आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ फिर भी दोबारा से कि
वो एक आदमी था, तो उसने किसी से अपने दोस्त से कर्ज ले लिया। तो पुराने ज़माने की बात है, जब वो आप ऑपरेटर को फ़ोन करते थे, वो डायल वाला फ़ोन होता था, आप 0 डायल करते थे, ऑपरेटर आता था, तो वो कहता था कि जी मुझे फलां से बात करा दो, तो वो कुछ पिंस वगैरह लगा के आपकी बात करवाता था। तो खैर जनाब, वो उसने कर्ज तो ले लिया, बहुत अरसा बीत गया, उसने कर्ज वापस ही नहीं किया उसको। तो जो कर्ज वाला बंदा था, उसने उनको फ़ोन किया ऑपरेटर के थ्रू कि जी मुझे बात कराएं और मुझे जो है वो पैसे वापस लेने हैं। तो उन्होंने मिला दिया। अब जब बात करने, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, अहवाल, ये वो सब कुछ हुआ, तो उसके बाद में जो कर्ज जिसने दिया था, उसने कहा कि भाई वो तुमने कुछ पैसे लिए थे, वो पैसे तो मुझे वापस कर दो। तो वो बंदा कहता है, हेलो क्या हुआ, क्या कह रहे हो, हेलो। उसने कहा, भाई वो जो पैसे लिए थे वो प्लीज़ वापस कर दें। हेलो हेलो भाई, क्या हो गया, आवाज़ नहीं आ रही। तो ऑपरेटर सुन रहा है वो उन लोगों की बातें, वो बीच में आया, तो वो उसको कहता है जिसने कर्ज देना था, उसको कहता है कि यार आवाज़ तो साफ आ रही है, तुम क्यों कह रहे हो कि आवाज़ नहीं आ रही। कहता है कि तुम्हें आवाज़ आ रही है, तो वो कहता है हाँ मुझे तो आवाज़ आ रही है। कहता है तो तुम दे दो पैसे। तो ये चक्कर है कि कहीं मैंने कोई लगता है कि कर्ज ले लिया जो मुझे आवाज़ नहीं आ रही उनकी। बहरहाल जी, बादलों की ओट से चांद झांकता है और फिर छुप जाता है। अरे क्या बात है फिदा मेहमद साहब, आपने तो बड़ी रोमांटिक बात कर दी और क्या ज़बरदस्त आपने बात की है। और ये हमारी सुमेरा बहन आ गई हैं, फिदा साहब कह रहे हैं कि यस इंटरनेट हमेशा तंग तंग के मलामत मामलात ख़राब करता है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बड़ी चीज़ है जी। फसी कैसा लगा आपको ये पुराना पुराना, बहुत पुराना लतीफ़ा है यार, ये तो पता नहीं कब मैंने सुना था बचपन में। जी फौजिया शाह आवाज़ कर रही हैं, अस्सलाम वालेकुम। एमन वस्फी कह रही हैं ऑल द बेस्ट जी, बहुत शुक्रिया। हाँ जी ऐसा ना, आपको आवाज़ आ रही है तो आप पैसे दे दें भाई, ठीक है जी, या आप इंटरव्यू कर लें मिस दिया का, आई थिंक दैट विल बी बेटर। हो सकता है कि आपके फ़ोन से चल जाए। और हसन नसीर भाई हमारे वॉच कर रहे हैं, ये हमारे बहुत अच्छे साथी हैं, हमारे कोर्समेट हैं। हमाद कैसर, डिया रहमान कह रही हैं सर प्लीज़ एक्सेप्ट रिक्वेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो जनाब अप्रूव किया हुआ है और ये कह रहा है नो आंसर फ्रॉम लाइव वीडियो। अब ये देखें, ये मसले कर रहा है, मैं आपको जनाब, मैं ये देखिए मैंने फिर किया और नो आंसर फ्रॉम वीडियो रिक्वेस्ट, ये मुझे क्या देता है। तो मैं आपको ऐसा करता हूँ कि मैंने आपको वहाँ से वो कैंसिल कर दी रिक्वेस्ट, आप एक बार और मुझे भेजिए, और अगर अब नहीं आई रिक्वेस्ट तो फिर ये है कि हम आपकी वॉल पे आते हैं, बस यही है। आज ये इंटरव्यू मैंने करके रहना है, तो ये मेरी डिटर्मिनेशन है। शौकत नियाजी साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम जनाब, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी हसन नसीर, देखें यार ये टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम है, देखें कैसा ये टेक्नोलॉजी हमें साथ नहीं दे रही है। फसीह उशान अंसारी, आप ऑनलाइन आना चाहते हैं अभी, देखें हम कोशिश कर रहे हैं कि मिस दिया रहमान के साथ हमारी बातचीत हो जाए, एक्सक्यूज मी, हमारी बातचीत हो जाए, और अगर नहीं हो पाई तो फिर हम आपके साथ ऑनलाइन आ जाएंगे जनाब, बिल्कुल। तो लेट्स सी कि क्या होता है। साईं दीदार शेख साहब सलाम वालेकुम, केड़ा हाल इन साईं। साईं टेक्नोलॉजी जो मसलो थी पियो आए, मिस दिया रहमान सां कनेक्शन न पियो थिए, सो दुआ कयो त थी वञे इंशाल्लाह। मोहम्मद दाऊद साहब ने स्माइली फेस भेजा है। फसीह उशान अंसारी कह रहे हैं कि ये बहुत बात हुई ना कि आज इंटरव्यू करके रहना है और आप लोगों ने इधर ही रहना है, आप लोगों ने जनाब कहीं जाना नहीं है। मैंने मिस दिया को ये बताना है कि जी मेरी भी व्यूअरशिप है, कोई ऐसी बात नहीं है, 10-12-13 व्यूअर मेरे भी हैं, ठीक है जी, उनके तो उनके जो हैं मसले वो उनके माशाल्लाह से बड़े व्यूअरशिप है जनाब, वो जैसे ऑनलाइन हुई तो 55, 60, 100, 200 तो वो खट से आ जाते हैं लोग माशाल्लाह। उनकी फैन फॉलोइंग 54,000 पीपल आर फॉलोइंग हर, तो माशाल्लाह आप ये देखिए कि कोई तो बात होगी उनमें
जिसकी वजह से इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग उनकी माशाल्लाह से है. तो आई लव टू रियली सी दैट काइंड ऑफ फैन फॉलोइंग फॉर मी. जी सही दाऊद साहब, सलाम अलैकुम, क्या हाल है सही? मैं सब जबानों में बात करता हूँ जनाब. आप मुझसे सिंधी में, पंजाबी में, थोड़ी सी पश्तो में मार लेता हूँ, और अंग्रेज़ी उर्दू तो है ही. खैर, तो बस कोशिश करते रहते हैं यार, आप लोगों के साथ ज़रा गप लगाते हैं. तो अभी देखते हैं क्या होता है. मिस दिया रहमान से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप काइंडली एक बार और मुझे मुझे आप काइंडली आप भेजिए रिक्वेस्ट. और फॉर सम रीज़न जो है वो ये, मैंने इनको उसमें से मैंने निकाल भी दिया है वीडियो ब्रॉडकास्ट के व्यूअर्स में से, लेकिन उसके बावजूद जो है फॉर सम रीज़न अभी तक इनका आइकॉन आ जा रहा है, लेकिन आई एम अनेबल टू सी हर. 54,000 क्या है भाई, 54,000 क्या है? हाँ, 54,000 उनकी जो फैन फॉलोइंग है. जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जनाब, 54,000 फैन फॉलोइंग है उनकी, बहुत ज़बरदस्त है. आप उनकी वॉल पे जा कर के देखिए, और बड़ा ज़बरदस्त करती हैं. जी जनाब, मोहम्मद दाऊद कह रहे हैं अल्लाह पाक खुश रखे. जी बिल्कुल, आमीन, आपको भी अल्लाह पाक खुश रखे. अरशद खर कह रहे हैं कि सर प्लीज़ कोई मुल्क शाम में जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर भी बात किया करें. अरशद भाई, दरअसल कुछ मेरे अपने रूल्स हैं जो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फॉलो करूँ, और चूंकि मैं एक सॉर्ट ऑफ अ पब्लिक फिगर, आई एम नॉट श्योर कि इफ आई एम राइट ऑन दैट और रॉन्ग, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं पॉलिटिक्स, रिलीजन और कंट्रोवर्शियल इश्यूज, ये मैं डिस्कस ना करूँ अपने प्रोग्राम्स में या अपने शोज में, क्योंकि मेरा जो काम है वो सिर्फ इंस्पिरेशनल काम है. मैं उन लोगों को लेकर के आता हूँ कि जो लोग जिन्होंने के ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है, और अपने मेहनत से उन्होंने सक्सेस हासिल की है, और दुनिया में कुछ बन के दिखाया है अपने आप को, अपना नाम रोशन किया है, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है, उनको मैं लेकर के आता हूँ अपने प्रोग्राम में, ताकि जो लोग देखने वाले हमारे व्यूअर्स हैं उनको उससे जो है कुछ इंस्पिरेशन मिले, कि वो अगर एक जो गेस्ट है वो कर सकता है तो आप लोग भी कर सकते हैं. तो मकसद मेरे शोज का और मेरी बातचीत का यही होता है. और दूसरा मकसद मेरा जो है वो चैरिटेबल वर्क के हवाले से है, कि जहाँ मैं देखता हूँ कि जी कहीं पे मेरी मदद की ज़रूरत है और मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ लोगों से फंड रेजिंग के हवाले से, तो वो मैं कोशिश करता हूँ. तो जनाब ये है, इसलिए मैं सीरिया के बारे में, जो और ममालिक में जो मसले मसाइल हैं, जो इश्यूज़ हैं, मैं उनको अपने शोज में प्रॉपर्ली डिस्कस नहीं करता. आपने मेरे पेज पे भी देखा होगा, मेरी वॉल पे आपने देखा होगा कि मैं इन चीज़ों से ज़रा दूर रहता हूँ. तो आई होप के यू डोंट माइंड, मेरी अपनी पॉलिसीज़ हैं, मेरे अपने प्रोसेस हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ, एंड आई होप यू विल रिस्पेक्ट दैट. अच्छा जी, फिदा मेमन साहब कह रहे हैं कि कभी कभी मोबाइल में टेम्प्रेरी मेमोरी लाइव का स्पेस नहीं देती, तो मोबाइल को रीस्टार्ट करें तो हो सकता है चल जाए. किसका मोबाइल रीस्टार्ट करें, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा. मैं अपना मोबाइल रीस्टार्ट करूं, या मैंने तो अभी ऑन किया था थोड़ी देर पहले, तो मेमोरी का प्रॉब्लम तो मेरे पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा फ़ोन जो है रोज़ रात को बंद हो जाता है 12 बजे, और सुबह को 6 बजे फिर ये ऑन होता है. तो इस दौरान मेरे पास कोई कॉल्स वगैरह ये वो मोबाइल फ़ोन पे नहीं आते, क्योंकि मेरा रेस्टिंग टाइम होता है, और किसी को अर्जेंट कॉल करनी होती है तो वो मुझे घर के नंबर पे कॉल करते हैं. तो इसलिए मैंने अभी फ़ोन ऑन किया है, और मेरे पास बड़ा अच्छा फ़ोन है, ये इसमें ये मेमोरी का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास 128 GB मेमोरी मेरे फ़ोन के अंदर है. और सॉरी, तो ये आई डोंट थिंक कोई ऐसा इशू है. बहरहाल, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. अच्छा जी, शहर हाशमी जिंदगी ये वॉच कर रही हैं. शहर हाशमी बता, शहर हाशमी, आज जबान साथ नहीं दे रही,
ये बताइए कि ये जिंदगी क्या है, जिंदगी आपका तखल्लुस है या आप जिंदगी ट्रस्ट जो वो है शहजाद रॉय साहब का, उससे आपकी वाबस्तगी है या क्या है, तो ये जरा सा अपने बारे में आप हमें प्लीज बताइए। जी फिदा मेमन साहब जी, मैडम का फोन, आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम है, मैडम जो है वो दोबारा से मुझे नजर नहीं आ रही हैं अभी, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, नहीं तो फिर ये है कि मैं उनको फिर मैं उनकी वॉल पे जा करके ज्वाइन करूँगा। अच्छा जी तो लेट्स सी, अभी तक जी मिस दिया मुझे नज़र नहीं आ रही यहाँ पर। एनीवेज आज मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, तो फसीह शान अंसारी बी रेडी, आपको मैं लेकर के आता हूँ जनाब। ठीक है जी, तो फसीह शान अंसारी किधर हैं भाई, ये आ जाइए। तो ये मिस दिया के साथ जो हमारा सेशन हो रहा था वो हाईजैक हो जाता है, आई डोंट नो कि इसमें कोई बेहतरी होगी। जी फसीह अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे मिजाज हैं आपके? देखिए ये मिस दिया रहमान वाला सेशन दोबारा से हाईजैक हो गया, और एक दफ़ा डॉक्टर नौमान जुबैरी साहब के साथ हमने हाईजैक कर लिया, और जी अब जो है वो आपने हाईजैक कर लिया। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, आप लोगों का कसूर है, ठीक है ना? ये डॉक्टर नौमान जुबैरी साहब ने हाईजैक किया पहले, अब आपने हाईजैक किया है, तो मिस दिया रहमान आई होप के यू डोंट माइंड। और जी ऑब्वियसली माय अपोलॉजीज पहले ही से। अच्छा जी फसीह, तो अपने बारे में बताइए, आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए, आप कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा जरा ये बताइए हमारे व्यूअर्स को। अच्छा, मेरा नाम फसीह उशान अंसारी है। प्रोफेशन के हिसाब से आई एम अ वेटनरी डॉक्टर, और अभी थोड़ा सा चेंज कर लिया है, मैंने टीचिंग साइड पे आ गया हूँ, तो आई एम ऑल्सो टीचिंग इन अ कॉलेज, और प्रैक्टिस भी करता हूँ, वेट प्रैक्टिस भी करता हूँ। जो मेरी क्या कहते हैं एक्सीलेंसीज हैं, मैं फिलाइंस कैट्स एंड डॉग्स पर ज़्यादा काम करता हूँ, और सोशल वर्क भी चलता रहता है, और सब कुछ चलता रहता है, द वे आई एम। अच्छा गुड गुड गुड, तो सोशल वर्क के हवाले से बताइए कि आरजे भी रहे हैं? हाँ उसके बारे में मैंने बात करनी है आपसे, बिल्कुल चलें पहले उसके बारे में बताएं आप कि आपने आपने बताया कि जी आरजे रहे हैं, तो आपने क्या किया उसमें, उस मैदान में आपने क्या तीर मारा? मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ में जैसे ही स्टार्ट किया, तो हमारी यूनिवर्सिटी में रेडियो था, तो शौक था मुझे, क्योंकि परफॉर्मिंग भी करता था, एक्टिंग भी करता रहा, डिबेटर भी रहा, एंकर भी रहा, तो रेडियो पे गया, ऑडिशन हुआ, उन्हें हमारी आवाज पसंद आई तो हम चले गए, और उसके बाद हम लोगों ने प्रोग्राम स्टार्ट करना शुरू कर दिए। तो मेरा जो फर्स्ट प्रोग्राम था वो था भी 23 मार्च पे, तो ये 23 मार्च आ भी रही है, तो इट वॉज रियली फन। के आपको पता चलता है कि आप अपने मुल्क में जब आप यूथ से बात कर रहे होते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो रेडियो होता है वो टोटली यूथ बेस्ड होता है, और उसमें आपको डिफरेंट किस्म के लोग मिलते हैं, डिफरेंट किस्म के उनके पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, तो पढ़ना भी बहुत पड़ता है। सबसे बड़ी बात ये, जब आप रेडियो करना शुरू कर देते हैं तो आपकी बात हजारों लोग सुन रहे होते हैं, और वो बड़ी ऑथेंटिक बात होनी चाहिए, एंड फॉर दैट स्टडी भी, और रेडियो की वजह से मेरी स्टडी और बढ़ती गई, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, जैसे कुदरतुल्लाह शहाब साहब जो हैं वो आपके जैसे कहते हैं सेंट्रल सर्विसेज के बहुत ज़बरदस्त ऑफिसर रहे हैं, उनकी बुक पढ़ी, और डिफरेंट किस्म की बुक्स पढ़ते रहे। फिर वहाँ से हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया हमारे फ्रेंड्स से, होप फॉर लाइफ, उसमें हम लोगों ने बहावलपुर में लोगों के लिए काम करना शुरू कर दिया। हम यंगस्टर्स हैं और अभी भी उसको लेकर चल रहे हैं, सारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, कोई हमारे मतलब जैसे कहते हैं ना कोई पॉलिटिकल लोग नहीं है हमारे साथ, कोई बड़े लोग नहीं है, बस यंगस्टर्स हैं, अपने पैसे मिला के कर लेते हैं, कि इफ्तार करवा देते हैं हॉस्पिटल के सामने लोगों को मिलकर करवा देते हैं, अब रमजान अब जैसे स्टार्ट होगा तो इफ्तार शुरू करवा दिया जाएगा, फिर ईद का वक्त आएगा, ईद का मौसम जब आएगा, मौसम तो नहीं फेस्टिवल कहते हैं हम लोग, ईद का त्यौहार जब आएगा हमारा,
तो उसमें जो है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास कपड़े नहीं होते, जो नहीं बनवा सकते, तो उनके लिए जमा करके करना शुरू कर देते हैं। तो मतलब डिफरेंट है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं। हमारे पास रेडियो में एक हमारी इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में दो साहब ऐसे हैं, मतलब एक फैमिली है, वो दोनों ब्लाइंड हैं लेकिन वो दोनों जॉब भी कर रहे हैं, तो उनको हम लोगों ने लेकर आए, उनका प्रोग्राम करवाया। तो डिफरेंट किस्म का चलता रहता है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। तो आप बता रहे थे कि बहावलपुर में, ये तो मुझे मालूम है कि गर्मी भी बहुत शदीद होती है और सर्दी भी बहुत शदीद होती है। तो आप बता रहे थे कि आजकल बाहर का मौसम है, तो जी कुछ वहाँ पर मेला बहारा वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ होती है, जैसे कि लाहौर में या इस तरफ जो है वो अपर पंजाब की साइड पे जो है वो इस तरह की चीज़ें होती हैं। जी इंशाल्लाह जो है आई थिंक मिड ऑफ मार्च में जो है मैं क्या कहते मेला बहा रहा होता है बहावलपुर में। नूर महल एक बहुत ही जबरदस्त हिस्टोरिकल पैलेस है, नवाब खान अब्बासी खामस ने उन्होंने बनवाया था, तो वहां पे बाकायदा कंपटीशन होता है और उसमें जो जो फ्लोरिंग की जाती है वो बहुत खूबसूरत, और कॉम्पिटिशन्स होते हैं। और अभी जैसे स्टार्ट हो रहा है विद द टाइम स्पैन जैसे मूव करता जाएगा इंशाल्लाह वो आएगा, और मैं पिक्स जरूर अपलोड करूंगा और मैं लोगों को दिखाऊंगा, जरूर लाइव भी लेके जाएंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। हाँ, हम लोग वहाँ से लाइव करेंगे एंड आई होप कि इस साल जो है वो दिन में आप वहाँ जा सकें श्योर श्योर और वहाँ पे इंशाल्लाह। लाइव कर सकें, क्योंकि लास्ट टाइम जो है वो ज़रा लाइटिंग का इशू हो गया था। बट एनीवेज द पिक्चर्स जी टर्न्ड जी आउट टू बी वेरी नाइस। अच्छा, एक तो नूर महल है वहाँ पे, हिस्टोरिकल प्लेस है जो बहुत ज़बरदस्त है। जी जी व्यूअर्स के लिए ये है कि ये जो नूर महल की जो बिल्डिंग है, इसके अंदर पूरी बिल्डिंग के अंदर कहीं पे कोई सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, और उसके अंदर कमाल ये है कि आप इसकी हिस्ट्री देखिए, पढ़िए आप इसके बारे में, और आप अमेज होंगे कि ये दालों, मुख्तलिफ दालों और चावल का पेस्ट बना करके उसके साथ इसकी चिनाई की गई है। जी बिल्कुल प्लास्टर जो किया गया है वो भी इन चीज़ों का किया गया है, उसके अंदर आर्टिस्ट्री, गुलकारी बहुत ज़बरदस्त उसके अंदर हुई हुई है। तो इट्स इट्स अ प्लेस इन इट सेल्फ के वहाँ पे जा करके और वो उसको देखा जाए। और इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी आप बताएंगे, मुझे हिस्ट्री तो मालूम है इसकी, लेकिन मैं आपके ज़बानी सुनना चाहता हूँ, थोड़ी सी आप हिस्ट्री बताइए इसकी, नूर महल की। हिस्ट्री जहां तक मुझे पता है, मैं कोशिश करता हूँ, अगर मैं कोई जगह सही नहीं बता सका तो आई वुड लव कि आप मुझे बता दीजिएगा। जो नवाब साहब थे उन्होंने क्वीन विक्टोरिया की सिस्टर से उनकी शादी हुई थी, सही है। सो फॉर दैट उन नवाब साहब का जो है वो ब्रिटेन के साथ काफी अच्छे रिलेशन थे, तो वो अपनी क्वीन के लिए उन्होंने ये महल भी बनवाया था। और इसको कहते हैं कि इसके अंदर टनल भी एक है जो कि लाहौर फोर्ट के साथ अटैच होती है, बट नाउ क्योंकि वो उन जगहों पे नहीं जाया जा सकता तो वो नजर तो नहीं आती। उसकी वेंटिलेशन बड़ी खूबसूरत बनी हुई है, अगर आप उसकी बेसमेंट में जाएं, अगर कोई लोग बहावलपुर से बिलोंग करते हैं या बहावलपुर लोग आते हैं तो नूर महल वाकई में नूर महल है। उसके बाद अब गुलजार महल, दरबार महल बड़े खूबसूरत है, उसके अंदर 7 महल है, अगर उधर जाया जाए वो भी बहुत हसीन है। और मजे की बात यह है कि वो अब पब्लिक के लिए खोल दिए गए हैं, तो खास बात। जी, मैंने अभी रिसेंटली ये पढ़ा था कि वो पब्लिक के लिए खोल दिए गए हैं, तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा जब बहावलपुर आना होगा तो इंशाल्लाह ज़रूर वहाँ पर चलेंगे। और इस दफ़ा मैं अपने फेसबुक लाइव के अलावा मैं अपना DSLR लेकर के आऊँगा, और वहाँ पर इंशाल्लाह हम बहुत सारी तस्वीरें जी बनाएंगे। और आई लव आर्किटेक्चर, आई लव स्पेशली दी ओल्ड आर्किटेक्चर, तो बहुत फैसिनेट करता है मुझे, एंड आई वॉन्ट टू शूट सम नाइस ब्लैक एंड वाइट। आजकल मुझे क्रेज़ हुआ हुआ है ब्लैक एंड वाइट शूट करने का। अभी रिसेंटली आपने मेरी एक पिक्चर भी देखी होगी, डॉन स्टाइल की ऑब्वियसली पिक्चर जो है बिल्कुल सी ब्लैक एंड वाइट के अंदर जो, अब आप ये मुझे देख रहे हैं कलर में, लेकिन इफ़ यू सी दैट वन, उसके अंदर जी एक डिटेल आती है पूरी। तो आई बिल्कुल लव दैट, आई लव ब्लैक एंड वाइट। और वैसे बिल्कुल भी बिल्कुल जिंदगी में भी जो है ब्लैक एंड वाइट होना जो है वो यस और नो है जी, ब्लैक और वाइट, दैट्स इट, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। कलरफुल अगर है तो फिर उसमें बहुत सारी डायरेक्शंस हो जाती हैं यार, है ना, मुश्किल हो जाता है उसको डील करना। क्या ख्याल है फसी? ऐसे ही वो देखें, जितने ज्यादा रंग होंगे उतनी ज्यादा आपके सफर होंगे, उतने ज्यादा रास्ते होंगे, जब सफेद और काला होगा तो सिर्फ दो ही रास्ते होंगे, हाँ या ना वो अब इसमें अंग्रेजी वाला सफर भी हो सकता है भाई।
बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा ना? किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलें तो यूथ के बारे में आप क्या आप मैसेज देना चाहते हैं हमारे यूथ को, किस तरह आप यूथ इंस्पायर को करेंगे यूथ को हमारे? मैं यूथ के लिए सबसे बेस्ट और सबसे आसान मैसेज ये कहूंगा कि परेशान नहीं होना। परेशानी किसी मसले का हल नहीं है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आजकल जो यूथ है, यूथ में मैं भी आ जाता हूँ, दो अब उस लेवल की यूथ में नहीं हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो गया, 25 साल की उम्र से ज्यादा ऊपर मैं आ गया हूँ। एक हम लोग जल्दी परेशान हो जाते हैं। जिस जब मैं था 18 प्लस में मूव कर रहा था तो बहुत जल्दी परेशान हो जाते थे, लेकिन अब फाइनली ये समझ आना शुरू हो गया है कि परेशानी किसी मसले का हल नहीं है, तो परेशान नहीं होना चाहिए। और कोशिश बिल्कुल सही करें कहा। अपने मुल्क से प्यार करें, जो आपके करीब हैं उनसे प्यार करें और कोशिश करें कि उनके लिए जिए। बिल्कुल 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 जी, बहुत शुक्रिया आपने अपने व्यूज हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर किए, और थैंक यू। इंशाल्लाह फिर आपसे बातचीत होती रहेगी, आप हमें श्योर ज्वाइन करते रहिए हमारी लाइव्स में। और मैंने कहा था कि इंशाल्लाह हम आज ही इंटरव्यू करके रहेंगे, तो हम इंशाल्लाह करके बिल्कुल रहेंगे। और सब पाकिस्तान में जनाब रात के 11:30 बजे हैं जी, जी बिल्कुल तो अब 11:30 बजे व्यूअरशिप वैसे ही कम हो जाती है, लेकिन जो लोग जाग रहे होते हैं, मुझे पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो है बहुत देर तक जागते हैं, तो देखते हैं कि व्यूअरशिप क्या मिलती है, श्योर और लेट्स सी इंशाल्लाह। ठीक है जी, राबिया कह रही जरूर हैं हेलो जी। राबिया अस्सलाम वालेकुम, शेख वकास वॉच कर रहे हैं, मियाँ वाहिद कमर साहब हमें वॉच कर रहे हैं, ये ओवरसीज़ हैं और हमारे बड़े अच्छे दोस्त वेरी हैं गुड माशाल्लाह। और आज हमारे साथ जनाब ये फसीह शान अंसारी हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं माशाल्लाह, बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है सोशल वर्क के हवाले से, वेटनरी डॉक्टर हैं बहावलपुर में और आजकल कोचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं लोगों को। उस्मान वजीर भाई पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, इन्होंने अपने नाम में पीटीआई लगाया हुआ है, तो आप इससे समझ जाइए कि इनका जो है वो पक्का पक्का ताल्लुक़ जो है वो पीटीआई से है। तो शेख वकास कह रहे हैं कि हेलो व्यूअरशिप कीप टेंशन, कह रहे हैं कि व्यूअरशिप की टेंशन ना लें, कंटेंट इज इम्पॉर्टेंट एंड एंड यू हैव ग्रेट कंटेंट, थैंक यू सो मच। नहीं मैं व्यूअरशिप तो ऐसे ही मजाक में कहता रहता हूँ, इट डजंट रियली मैटर टू मी, अगर एक व्यूअर भी है मेरे साथ और मैंने उसको अपनी बात पहुँचा दी और मैसेज जो है कन्वे हो गया, तो आई फील माई सेल्फ लकी कि आई हैव अचीव समथिंग, क्योंकि मकसद अच्छा वही है कि लगता है। इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन, एग्जैक्टली। और तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने कमेंट किया जी, बिल्कुल मैं टेंशन नहीं ले, लेकिन बहरहाल खैर वो टीआरपी की टेंशन तो होती है ना सर, एट द बैक ऑफ द माइंड, अगर मैं ना कहूँ फिर भी वो जहन में तो चल रहा होता है कि यार ये 14 आदमी हैं, लेकिन दिया जैसे ही ऑनलाइन हुई तो उनके 55 आदमी आ गए फौरन एक सेकंड में, तो वो बहरहाल खैर वो टीआरपी की को जो है वो टेंशन तो अपनी जगह पर मौजूद है। राबिया कह रही हैं बिल्कुल कि अच्छा लग रहा है आप लोगों को देखकर, बहुत शुक्रिया राबिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट द व्यूअर्स। मियाँ वहीद कमर कह रहे हैं थैंक्स फॉर रिमेम्बरिंग मी डॉक्टर, अरे जनाब आप तो हर वक्त याद है मुझे, आपको भूला तो नहीं हो ना, मैं जब भूला हूँगा तो फिर रिमेम्बर होता है ना, आप तो जनाब हमारी दुआओं में शामिल हैं, हमारे हमारे दिल में रहते हैं आप लोग। शेख वकास कह रहे हैं जी माशाल्लाह, आई माई सेल्फ इज अदना शायद सोशल वर्कर हैं माशाल्लाह, अरे बात ज़बरदस्त, बहुत अच्छे जनाब। और हाउ कैन वी कोलेबरेट फ्रॉम इस्लामाबाद, जी बिल्कुल कोलेबरेशन, देखिए मैं यहाँ टोरंटो में कनाडा में बैठा हूँ, ठीक है जी, मेरे जो हाथ हैं, मेरी जो आँखें हैं, मेरे जो कान हैं, मेरे जो टांगे हैं, वो सब आप लोग हैं, मेरे फेसबुक व्यूअर्स हैं, बहुत सारी जगहों पर मुझे लोग अप्रोच करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे हूँ मैं, तो मुझे लोग अप्रोच करते हैं कि जी हमें ये हेल्प की ज़रूरत है, हमें वो हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि जनाब आई आई डोंट प्रोवाइड फिश, ठीक है जी, मैं उनको खाना नहीं प्रोवाइड करता, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है चैरिटी और एक होती है फिलंथ्रापी, तो मैं आपको दोनों का फ़र्क समझाता हूँ, उसमें यह है कि चैरिटी जो है वो एक टेम्प्रेरी चीज़ को डिस्कस करती है, मिसाल के तौर पर एक आदमी भूखा है उसको खाना खिला दिया तो वो चैरिटी हो गई, आपने खाना दे दिया उसको बात खत्म हो गई, आपका रास्ता अलग उसका रास्ता अलग,
लेकिन फिलेंथ्रापी जो होती है वो ये होती है कि आप उसको खाना नहीं देते, आप उसको ये सिखाते, आप पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो भूखा क्यों है, और उसके बाद में जब आपको वो रीजन मिल जाता है कि आदमी भूखा क्यों है, तो फिर उसका जो है आप इलाज करते हैं उसको, आप आ, आ, उसका सोल्यूशन निकालते हैं कि अच्छा यार ये आदमी भूखा है, तो उसका क्या जराये ऐसे हो सकते हैं कि ये मुस्तकिल जो है वो अपनी भूख को मिटा सके ऑन हिज ओन। तो हम वो कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं जी पैसे दे दीजिए हमें, हमें ये दे दीजिए, हमें वो दे दीजिए, तो मैं बिल्कुल पैसे देने के हक में बिल्कुल नहीं हूँ, ना मैं देता हूँ। और लेकिन हम उनको ये जरूर सिखाते हैं कि ठीक है जी आप आगे आइए और हम आपको सिखाते हैं कि काम कैसे करेंगे आप, और आपने कैसे आगे जिंदगी गुजारनी है। तो ये कोशिशें हैं हमारी बस जनाब, वो इंशाल्लाह। तो भूख मिटानी होनी सॉरी चाहिए। सॉरी फैसी, मैं इनकी बात का जवाब दे दूं शेख वकार साहब की। जनाब शेख वकार साहब, मुझे आप इनबॉक्स कीजिए प्लीज, और अपनी डिटेल्स मेरे साथ शेयर कीजिए, तो इंशाल्लाह मैं आपको जरूर जहमत दूंगा कि इस्लामाबाद से अगर कोई हमारे व्यूअर, हमारे दोस्त, हमारे साथी, फेसबुक फ्रेंड को अगर किसी चीज की जरूरत है, एक तो ये कि मेरे जरूरत ये होती है कि वेरिफिकेशन की, ठीक है जी, कोई मुझसे अप्रोच करता है तो उसकी उसको जेन्युइन होने के लिए, जानने के लिए मैं अपने लोगों को उनके पीछे लगाता हूँ। बहावलपुर में मेरे दोस्त हैं, मौजूद हैं जनाब हमारे साथ इस वक्त, फसीह शान अंसारी साहब, बिल्कुल और इस्लामाबाद में जनाब शेख वकार साहब हैं, सबा सिकंदर हैं हमारी बेटी, माशाल्लाह कराची में इस तरह से लोग मौजूद हैं, तो मैं उन लोगों के कोयटा में जरिए, लोग हैं जी। कोटा में लोग हैं जी हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, हैदराबाद में हैं लोग माशाल्लाह, और बाकी तमाम सूबों में लोग हैं, तो उनसे हम कोशिश करते हैं कि वेरिफिकेशन हम करवाएं लोगों की। इस वक्त जनाब हमें हमें ज्वाइन किया है सुमेरा बहन ने, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बहावलपुर की मेंबर भी हैं, सोशल वर्कर हैं माशाल्लाह, तो इनके साथ हम बातचीत करते ही रहते हैं। आपने देखा कल हमने एक 50 बच्चों के लिए फंडरेजिंग का हमने एक सेशन किया था इनके साथ, माशाल्लाह बड़ा सोशल वर्क कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और डॉक्टर चौधरी वकास असलम साहब कह रहे हैं माय फ्रेंड एंड क्लास फेलो फसी। अच्छा क्या बात है जनाब, जबरदस्त जनाब, थैंक डॉक्टर यू साहब सो मच। माशाल्लाह माशाल्लाह। वकास साहब, वलीद खालिद मटियाना कह रहे हैं कि बाय ऑल ऑफ माय डक्स एंड अप विद अ ब्रोकन लेग। हाँ जी ये बताइए जनाब, आपके लिए सवाल है ये। जी अच्छा, देखिए सबसे पहले मैंने इनके क्वेश्चन तो पढ़ लिया है। इसमें ये कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, हम लोग बर्ड्स को अपने, पेट्स को अपने पास रखते हैं, उसको जब सिंपली जो फूड हम लोग अवेलेबल होती है हम लोग वो देते हैं, लेकिन जब भी आप कोई पेट रखते हैं उसको न्यूट्रिएंट्स लाजमी पूरे मिलने चाहिए। तो इसलिए बर्ड्स में और मोस्टली जो डक फैमिली, उसमें डिजीजेस आ जाती हैं जिसमें उनकी जो जॉइंट्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। फॉर दैट उनको जो है मल्टी विटामिन्स देने चाहिए। तो सिंपल पाकिस्तान में डिफरेंट ब्रांड नेम्स से आ रहे होते हैं, आप कोशिश करें उनको वो जरूर दें, और इस चीज का खास ख्याल करें, सिंपल 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 खुराक से बर्ड्स नहीं फलते फूलते, इस चीज को याद रखना चाहिए, क्योंकि ये वाइल्ड एनिमल्स थे, हम लोगों ने इनको डोमेस्टिकेटेड किया, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इनको हर चीज मिलनी चाहिए, तो इस चीज का जरा खास ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है जनाब, वलीद साहब, वलीद खालिद मटियाना साहब, आपको डॉक्टर साहब ने हमारे जवाब दिया, और डॉक्टर चौधरी वकास साहब ने स्माइली फेस भेजा, बहुत शुक्रिया। और जनाब मुस्तफ़ा सुकैत वॉच कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। एसएन क्यू कह रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या स्कोप है वेटरनरी डॉक्टर का, तो जनाब ये बताइए आप, एसएन क्यू का सवाल है कि वेटरनरी मेडिसिन में क्या स्कोप है। अच्छा, जैसे ही मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की, मैंने दो सेक्टर्स में अपनी जो है इंटर्नशिप की थी। मैंने सबसे पहले जो काम किया था मैंने पेट्स पे किया था, लाहौर में जिया वेटनरी क्लिनिक पे, जो मेरा एक्सीडेंस जिस पे मैं कहता हूँ मैंने काम किया। नेक्स्ट जो मैंने काम किया था वो मैंने किया था सरगोधा में, इट्स अ डेयरी फार्म, तो मेरे पास दो एक्सपर्टीज हैं। एंड आफ्टर दैट मैंने पोल्ट्री में भी काम किया, तो ये तीन तो आपके पास मेन एक्सपर्टीज आ गई। फिर उसके बाद जो मैंने सबसे पहले जॉब स्टार्ट की वो मैंने IRM के साथ काम किया, और वो पाकिस्तान का बहुत ही रिमोट एरिया कहलाता है, DG खान से आगे है रुझान राजनपुर कश्मोर, जहाँ पे तीन बॉर्डर्स मिलते हैं तीन प्रोविंसेस के। तो वहां पर एज ए ट्रेनर, ETO ट्रेनर मैंने काम किया है, बहुत ही ज्यादा रिमोट इलाका था, लेकिन अच्छा लगता है जब आप अपने मुल्क के लिए अपने लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट मुझे मूव कर दिया गया सादकाबाद, मैंने वहां पर काम किया है जहाँ पे बोंग मस्जिद बहुत मशहूर है। कभी कभी वहां पे ऐसे भी इलाके मैंने देखे कि जहाँ पर
خواتین کو جوتے پہننے کی بھی اجازت نہیں ہوتی, لیکن وہاں پر بھی ان لوگوں کے ساتھ کام کیا, ان لوگوں کو بتایا گیا کہ آپ لوگوں نے 150 کے لگ بھگ آپ لوگوں نے جانور رکھے ہوئے, لیکن کسی کی بھی پروڈکشن جو ہے 4 to 5 liter سے زیادہ نہیں ہے. لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ اینیمل زیادہ ان کے پاس, بٹ دے ڈونٹ نو کہ پروڈکشن کیا چیز ہوتی ہے. ان لوگوں کو یہ آئیڈیا دیا گیا کہ منی چھوٹے چھوٹے بزنسز آپ لوگ کیسے کر سکتے ہیں, اگر آپ کے پاس 100 جانور ہیں آپ اس کو 50 کریں, لیکن آپ پروفٹ جو ہے 150 کا کما سکتے ہیں آرام سے. تو ایز اے انٹرپرینیور ٹرینر کے طور پہ میں نے کام کیا ہے, اینڈ آفٹر دیٹ میں نے پولٹری شیڈز پولٹری فارم سے کام کیا, اس کے بعد میں نے پنجاب لائف اسٹاک ڈیری ڈیولپمنٹ بورڈ کے ساتھ کام کیا, تو سائلیج پہ میں نے بہت کام کیا. ہمارے اینیملس جو ہیں, ڈیری اینیملس جو ہیں جتنے بھی ہیں, جب تک انہیں پروٹین ڈائٹ اچھی طرح سے نہیں ملتی ہم ان سے دودھ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. اٹس سو سمپل کہ آپ کسی میراتھن ریسر جو ہے آپ اس کو بھگانا چاہتے ہو, لیکن آپ اس کو سمپل بریڈ دے رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا وہ بھاگ سکے گا؟ اس کی نیوٹرین ڈیفیشنسیز کو پورا کرنے کے لیے ان چیزوں کے ساتھ میں نے کام کیا, آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کیا, اللہ کا شکر ہے, آئی ایم ہیپی ود دیٹ. الحمدللہ, ویری نائس. تو وائی ڈونٹ یو اسٹیبلش یور اون بزنس ویئر یو گو آؤٹ اینڈ ٹیچ پیپل ہاؤ دے کین بینیفٹ؟ وہی انٹرپرینیور شپ کے اوپر جو ہے اس کی اسسٹنس کیوں نہیں آپ آفر کرتے لوگوں کو؟ ویل آئی ہیو پلان فار دیٹ کہ میں نے اسی کو ہی کرنا ہے مطلب لانگ ٹرم میں, کیونکہ میں ایک ٹرینر ہوں, ریڈیو پہ کام کرتا رہا ہوں, مجھے بولنا پسند ہے اور لگتا ہے کہ لوگ سن بھی لیتے ہیں, تھوڑا بہت پسند کر لیتے ہیں. Exactly. تو بہتر ترین طریقہ یہی ہوتا ہے جیسے آپ نے بات کی ہے کہ کسی کی بھوک نہیں مٹائی جائے بلکہ اس کو یہ راستہ دکھا دیا جائے کہ بھوک مٹانی کس طرح. Exactly. مین چیز کہ اگر جب آپ کسی کو ایک راستہ دکھا دیں گے نا, اب وہاں پر جو کیا کہتے ہیں رجحان میں جب میں وہاں پہ تھا تو وہاں پہ ٹوٹل جو ڈیل کر رہی تھی خواتین کرتی ہیں, وہاں پہ اینیملز جتنے بھی ہیں مرد نہیں خواتین ڈیل کرتی ہیں, انہیں پتا ہے کہ میری کیٹل نے اس ٹائم دودھ دینا ہے, اس کو اتنا کھانا دینا ہے, اس کو اتنا چارہ دینا. اگر آپ خواتین کو ہی سکھا دیں, مرد فیلڈز میں کام کریں گے, عورتیں اپنے جانوروں کے ساتھ کام کریں گی, تو فیلڈ کا پروفٹ بھی آپ کے پاس آئے گا, کراپس کا پروفٹ الگ آئے گا اور آپ کے اینیمل کا دودھ کا پروفٹ الگ آئے گا. تو آبویسلی یہ ایک فیملی کو مینٹین کرنے کے لیے بہت بہترین طریقہ ہوتا ہے, چلایا جا سکتا ہے بہت اچھے طریقے سے. نہیں, آپ اس کو ذرا کنسیڈر کیجیے اور اس پہ کام کیجیے, اینڈ لیٹس ہیو این آف لائن ڈسکشن از ویل آن دس. آصف شوکت صاحب کہہ رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب آئی ایم میاں آصف شوکت فرام قصور. یہ جناب آپ ان کو جانتے ہوں گے, قصور سے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ جناب آپ کی انٹروڈکشن کا. جی آپ میری آرگنائزیشن کوئی نہیں ہے جناب, میرا سوشل ورک ہے بس, یہ میں ہوں جو میں یہاں بیٹھ کر کے اپنے ٹورنٹو سے بیڈ پہ بیٹھ کر کے میں یہ کام کرتا ہوں, لوگوں کی ہیلپ کرتا ہوں, لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ جی کیسے سوشل انٹرپرینیور بننا ہے. لوگوں کے ذہن میں یہ ایک مت ہے کہ آپ کے پاس $1 million ہونے چاہیے یا 10 million rupees ہونے چاہیے تب آپ بزنس انٹرپرینیور بن سکتے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے جناب. تو اس لیے آپ پلیز, میری کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے, آپ مجھے جوائن کیجیے, بالکل مجھے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے, ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے. آپ یہ بتائیے, آصف صاحب مجھے ان باکس کیجیے, اپنی لوکیشن بتائیے کہ آپ کون سے شہر سے آپ کا تعلق ہے, اور اپنا مجھے واٹس ایپ نمبر بھیجیے, تو انشاءاللہ ول بی ان ٹچ, اور بالکل میں آپ کو کام بتاؤں گا پھر کہ آپ نے اپنے علاقے میں کیا کرنا ہے ہمارے لیے. چودھری عدنان نواز صاحب آج کر رہے ہیں, آصف شوکت صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئی وانٹ آلسو ورک فار آور ولیج. ہاں جی بالکل بالکل, آپ ہم سے رابطہ کیجیے, انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور موقع فراہم کریں گے آپ کے اپنے شہر میں یا گاؤں میں یا قصبے میں کام کرنے کا. اور ایس این کیو کہہ رہے ہیں کہ کہاں کام نہیں کیا فصیح آپ نے اور کیا کیا نہیں کیا. ہاں جی, تو بڑی زبردست انہوں نے بات کی ہے ماشاء اللہ, اور دو اسمائلی فیس بھی بھیجے انہوں نے ماشاء اللہ, آپ کی زبان چڑھائی ہے انہوں نے. اور ڈاکٹر ارسلان مجید کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کینیبلائزم کو کینیبلزم, ہاں جی کینیبلزم, میں تو کینیبلائزیشن پڑھ رہا تھا اس کو, لیکن پھر میں نے کہا نہیں یار غلط ہو جائے گا وہ, تو کینیبلائزیشن تو بالکل ڈفرینٹ چیز ہو جاتی ہے جی, میں نے کہا وہ کچھ کاٹ کاٹ کے کہیں اور پارٹس لگا دیے, کینیبلائز ہو گیا. چلو بھائی یہ اصل میں ہماری میڈیکل ٹرم ہے, اس کو زیادہ یوز کیا جاتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے ایک دوسرے کو کھانا,
ये मिले हुए तो नहीं है आपसे डॉक्टर साहब? फसी साहब, आपने इनसे अच्छा, पहले, ये आपने, मोस्टली मैं स्टाफ जाऊंगा मेंबर्स ऑनलाइन भी तो तुम ऐसे ऐसे मिलते सवाल पूछना है? हैं असल में मोस्टली कुछ क्लास फेलोज भी नजर आ रहे हैं मुझे, और इट्स गुड, काफी दिनों के बाद बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, तो इट्स ग्रेट टू सी यू ऑल। माशाल्लाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ जी बताइए, अब आप बताइए कि कैनिबलिज्म क्या होता है? अच्छा, इसमें सबसे पहले ये होता है कि जब वन डे या टू डे पे चिक आता है तो उसकी डीबीकिंग की जाती है, क्योंकि चिक की आदत होती है वो हर जगह चुगने की कोशिश करता है। जो छोटा चूजा होता है ना, ये वर्ड ये चिक जो इंस्टिंक्ट है है। ये डिबेटेबल होता है, क्वेश्चनेबल होता है, तो आप काइंडली इसके साथ कोई एडजेक्टिव लगाइए ताकि ये पता चले कि कौन से चिक की बात कर रहे हैं आप। श्योर। ये डॉक्टर साहब ने जो मुझसे सवाल पूछा है, डॉक्टर अरसलान मजीद साहब ने जो सवाल पूछा है, इन्होंने मुझसे पोल्ट्री सेक्टर के बारे में सवाल किया है। हाँ तो अब ये नहीं, अब आपने सही सही जवाब दिया कि पोल्ट्री चिक की बात कर रहे हैं आप, ठीक है ना? असल में सॉरी टू से, असल में ये डॉक्टर साहब थे ना, तो मैं इनको डायरेक्ट आंसर देना शुरू कर दिया, एंड फॉर नहीं, डॉक्टर साहब दैट अकेले व्यू नहीं कर रहे हैं ये, देखिए हमारे साथ और बहुत सारे लोग हमारे व्यू कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी मालूमात के लिए हमें जो वर्ड चेक है उसको बहुत सही तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए, ठीक है जनाब? जी। तो डॉक्टर साहब का सवाल ये था कि उन्होंने पोल्ट्री सेक्टर के बारे में उन्होंने मुझसे सवाल किया है कि जब आप ब्रॉयलर या ब्रॉयलर चिक को लेकर आते हैं तो डे वन से उसको आप कंट्रोल शेड में ले आते हैं। छोटा चूजा होता है, इंतहाई इडियट किस्म का होता है, उसको कुछ पता नहीं होता कि उसने कहाँ मूव करना है, क्या करना है। तो उसकी आदत होती है कि वो चुगने की आदत होती है, उसको मूव करने की आदत होती है, उसको बीक जो उसकी चोंच होती है उसको कहीं मारने का उसको शौक हुआ हुआ होता है। छोटा सा होता है, एक दिन का बच्चा, हमारा भी एक दिन का जो इंसान का जो बच्चा होता है उसको कुछ पता नहीं होता उसने मूव क्या करना है, किसना करना है। तो एक टेक्निक होती है जिसको कहा जाता है डी बीकिंग। डी बीकिंग कहा जाता है, उसमें जो चोंच जो होती है, बीक जो होती है चूजे की, उसका फ्रंट जो होता है उसको काट दिया जाता है, और इससे जो है कैनिबलिज्म कम हो जाता ठीक है। तो है ये टेक्निक है। जनाब, डॉक्टर साहब आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आलिया तारिक कह रही हैं कि आई लाइक यू दिया। हाँ भाई, हम सब लोग दिया को लाइक करते हैं, बट दिया इज नॉट विद अस फॉर सम रीजन, आई डोंट नो। अगर हैं तो बहरहाल मैं इंटरव्यू आज उनका करके रहूंगा चाहे कुछ हो जाए। मरियम बिल्कुल एसन क्यू इज वॉचिंग, थैंक यू मरियम। उस्मान वजीर पीटीआई, नहीं उस्मान भाई यहाँ पे आप, ये वीडियो जो है ना ये नीचे चली जाएगी, मैं रोजाना 5-7 वीडियोस डिफरेंट करता हूँ, पोस्ट करता हूँ, ये सब नीचे चली जाएंगी और मैं फिर ढूंढ नहीं पाऊंगा। काइंडली आप मुझे मुझे इनबॉक्स कीजिए अपनी कांटेक्ट, जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे लिए काम करना चाहते हैं, अल्लाह के लिए काम करना चाहते हैं, सोशल वर्क करना चाहते हैं, अपना व्हाट्सएप नंबर और अपना ईमेल एड्रेस मुझसे इनबॉक्स पे शेयर कीजिए मेरे, ठीक है ना? बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुबशर हसन साहब कह रहे हैं ग्रेट वर्क फसी, माशाल्लाह आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच गुड टू स्नेहा सी यू साहब, आफ्टर अ थैंक यू। लॉन्ग टाइम। ये तो बड़ा अच्छा हो गया जनाब, सब लोग मिल गए। मैं तो अब लोगों को मिलाने के लिए कोई मैं सर्विस ऑफर कर सकता हूँ, ये तो क्या ख्याल है? कोई बिजनेस मॉडल अब मैं बना सकता हूँ कि जी आइए लोगों से जुड़िए। माहीन आप दुआएं ले खदीजा रहे हैं वॉच कर लोगों रही हैं की। जी। हाँ जी बिल्कुल 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 जी। माहिन बेटे बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। डॉक्टर अरसलान मजीद साहब जनाब बहुत खुश हैं, और अदील आलम साहब भी वॉच कर रहे हैं। एहसन क्यों कह रहे हैं कि गुड आंसर डॉक्टर फसी, क्या बात है जनाब, डॉक्टर साहब बड़ी थैंक तारीफें हो रही यू। हैं आपकी, यू आर वेरी नॉलेजेबल इन योर फील्ड, माशाल्लाह। जी बिल्कुल नॉलेज, इसमें कोई शक नहीं है थैंक कि यू सो इन्होंने मच। जनाब बड़ी मेहनत की है पढ़ाई में, हम सबको मालूम है, चने दे करके नहीं पढ़ा हमारी तरह तो अच्छा जनाब डॉक्टर साहब मेरे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे किसी जरूर और प्रोग्राम में तफसीली फिर बातचीत होगी इंशाल्लाह, और जो श्योर आपका जो बेटा। दूसरा वेंचर है, जो आपका पढ़ाने का वेंचर है, उसके बारे में हम आपसे फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। अपना और जरूर अपने जरूर आसपास इंशाल्लाह। तमाम लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए। आपका हमारे साथ लाइव आने का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका मशकूर हूँ। तो व्यूअर्स हमें, हम दोनों को इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल अल्लाह रखिए। अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़।